डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप एडमिशन, और पार्टनरशिप एडमिशन के दो मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड था परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा मेथड था बोनस मेथड। आज हम तीसरे मेथड की जानिब चलते हैं जिसका नाम है गुडविल मेथड। आइए जरा देखते हैं गुडविल मेथड की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी और इसमें हम एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। गुडविल मेथड की आइडेंटिफिकेशन के लिए बात जानना जरूरी है कि गुडविल मेथड जो है वो दो तरह के होते हैं, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और गुडविल टू न्यू पार्टनर। यानी ओल्ड पार्टनर को फायदा अलग होता है और न्यू पार्टनर को फायदा अलग होता है। तो पहले बात करते हैं हम गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स की। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स यानी फायदा किसको हो रहा है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल जा रही है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपके सवाल में एक सेंटेंस यूज किया जाएगा, वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अगर आपके सवाल में ये सेंटेंस यूज किया जाता है तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स की। और गुडविल टू न्यू पार्टनर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, गुडविल टू न्यू पार्टनर की आइडेंटिफिकेशन होगी ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, यानी पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करने को तैयार अगर ना हो, अपना कैपिटल चेंज करने को तैयार ना हो या कम करने को तैयार ना हो, तो ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू न्यू पार्टनर की। ओल्ड पार्टनर की गुडविल की आइडेंटिफिकेशन अलग है और न्यू पार्टनर की गुडविल की आइडेंटिफिकेशन अलग है। दोनों की आइडेंटिफिकेशन अलग इस वजह से है क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन डिफरेंट है। यानी अगर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर होगा सवाल में केस अगर होगा तो उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से की जाएगी, और अगर गुडविल टू न्यू पार्टनर है तो फिर उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाएगी। इसीलिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गुडविल किसको जा रही है, गुडविल ओल्ड पार्टनर को जा रही है या गुडविल न्यू पार्टनर को जा रही है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि गुडविल किसको जा रही है, तब तक आप जो है वो मेथड फॉलो नहीं कर सकते कि हमें एक्चुअली इसमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो गुडविल, सिर्फ गुडविल जानना जरूरी नहीं है, गुडविल मेथड है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि अगर गुडविल है तो गुडविल किसको जा रही है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर सवाल में लिखा हो कि न्यू पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा, यानी जो न्यू पार्टनर का हिस्सा होगा वो 1/5 होगा। इस 1/5 का मतलब क्या होता है, इस 1/5 का मतलब ये है कि प्रॉफिट हो, लॉस हो या कैपिटल हो, उसके पांच हिस्से किए जाएंगे। डिनोमिनेटर में जो नंबर शो हो रहा है उसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के उतने हिस्से किए जाएंगे। तो इस वक्त डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर का मतलब है यानी नीचे, अपॉन के नीचे। अगर अपॉन के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज के पांच हिस्से किए जाएंगे। और ऊपर जो, यानी न्यूमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, 1, यानी जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब यह हुआ कि पांच में से एक हिस्सा जो है वो न्यू पार्टनर का होगा। यानी 1/5 का मतलब यह, आसान लफ्जों में, कि किसी भी चीज के पांच हिस्से करें और पांच हिस्सों में से एक हिस्सा निकालकर आप किसको दे दें, आप न्यू पार्टनर को दे दें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट कहलाएगा, यानी 1/5। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमने किसी चीज के पांच हिस्से किए थे, पांच में से एक हिस्सा अगर हमने न्यू पार्टनर को दे दिया, तो कितने हिस्से रह गए, हमारे पास रह गए 4 हिस्से। बाकी वो 4 हिस्से अब किसके होंगे, जाहिर सी बात है बाकी 4 हिस्से अब ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कितना बन जाएगा, 4/5। यानी पांच हिस्से किए, पांच में से एक हिस्सा अगर न्यू पार्टनर का है तो ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से कितने होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से होंगे उसमें से 4। यानी 5 में से आप अगर 1 को माइनस कर दें तो बाकी जो हिस्से बचेंगे वो किसके बच जाएंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से बच जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से कितने बचते हैं, 4/5। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू पार्टनर का हिस्सा है 2/7, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के आप 7 हिस्से कीजिए, 7 में से 2 हिस्से आप किसको दे दीजिए, 2 हिस्से आप न्यू पार्टनर को दे दीजिए। किसी भी चीज के हमने 7 हिस्से किए, 7 में से 2 हिस्से हमने किसको दे दिए, न्यू पार्टनर को दे दिए। तो अगर 7 में से 2 हिस्से हमने अगर न्यू पार्टनर को दे दिए, तो रिमेनिंग कितने हिस्से रह जाते हैं हमारे पास, हमारे पास रिमेनिंग रह जाते हैं 5 हिस्से। अब वो 5 हिस्से किसके होंगे, वो 5 हिस्से जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। तो 7 में से रह गए अब हमारे पास 5 हिस्से, और वो किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। तो ये बात जानना जरूरी है कि न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट अगर दिया हुआ हो तो उससे हम ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कैसे मालूम कर सकते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। अगर न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/5 है तो आप क्या कीजिए, 5 में से 1 को माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितना रहता है, 4। तो 4/5 जो है वो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर न्यू पार्टनर का हिस्सा 2/7 है तो क्या कीजिए, 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 7 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो कितना रह जाता है, 5। तो 5/7 किसका हिस्सा हो जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताई और साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि न्यू पार्टनर से हम ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक सवाल की तरफ।
एयर है हमारे पास 2014 रेगुलर, इसका क्वेश्चन नंबर होगा 7 और इसका केस यानी सिचुएशन हम फॉलो करेंगे, सिचुएशन इसकी होगी सी। सवाल लिखा हुआ है, आबेद एंड शाहिद आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट खालिद, उन्होंने खालिद को पार्टनरशिप में शामिल किया है। रिक्वायरमेंट में आपसे कहते हैं गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ खालिद इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंसीडर्ड सेपरेटली। आपके पास चार सिचुएशन दिए हैं। अच्छा, मैं चारों सिचुएशन फिलहाल नहीं पढ़ रहा, अभी मैं सिचुएशन नंबर सी पर सिर्फ फोकस कर रहा हूं, तो बाकी तीन सिचुएशंस को मैं रीड नहीं करूंगा, मतलब उन्हें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल। सिचुएशन ए खालिद इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश, जो भी लिखा हुआ आगे छोड़ दिए, बाद में डिस्कस करेंगे। सिचुएशन बी को भी मैंने छोड़ दिया, इसको भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। अभी सिचुएशन सी में देखिए लिखा हुआ है खालिद इन्वेस्ट रुपीज 1,80,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फर्म। खालिद ने इन्वेस्ट कितने किए हैं, 1,80,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, और पार्टनरशिप में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 उसको हिस्सा मिलेगा। जुमला लिखा हुआ है हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये जो जुमला लिखा हुआ है His capital account is to be credited with the entire amount of his investment. ये identification है, किसकी identification है, ये identification है goodwill method की, और goodwill इसमें किसको जा रही है, इसमें goodwill जा रही है old partners को। अभी आप जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बात explain की थी, आप वहां पर जाकर check कीजिएगा, वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके सवाल में sentence लिखा हुआ हो कि capital is to be credited with the entire amount of his investment, अगर ये जुमला आ जाए तो ये identification होती है कि goodwill to old partner है, यानी goodwill ओल्ड पार्टनर्स को जा रही है। तो यहां पर हमें ये बात पता चली कि यहां पर गुडविल मेथड फॉलो करना है, साथ साथ ये बात भी पता चली है कि गुडविल किसको जा रही है, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को जा रही है, तो उसी के मुताबिक हमें अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। अच्छा, एक और सिचुएशन है सिचुएशन डी, जिसके आगे देखिए लिखा हुआ है बोनस टू बी रिकॉर्डेड, यानी बोनस मेथड हमें यहां पर फॉलो करना है, और ये बोनस मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये आपको आता है। तो फिलहाल हम केस सी पर फोकस करते हैं, आइए सिचुएशन सी के सॉल्यूशन और इसकी एंट्री देख लेते हैं। जरूरी बात है, इस वक्त आपके राइट हैंड साइड पर मौजूद है जुमला, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। और ये बात मैंने आपको बताई अभी अभी कि अगर ये जुमला लिखा हुआ आ जाए तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स की। और अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी तो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि गुडविल अगर ओल्ड पार्टनर को जाए तो आप कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे किससे, न्यू पार्टनर से। तो इस सवाल में यानी इस केस में, केस नंबर सी में गुडविल जा रही है किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, किससे स्टार्ट करेंगे हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे न्यू पार्टनर से। जरा देखिएगा कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। मैंने कहा कि कंप्यूटेशन आप किससे स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटेशन आप स्टार्ट करेंगे न्यू पार्टनर से। अगर गुडविल जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को तो कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी न्यू पार्टनर से, और अगर गुडविल जाएगी न्यू पार्टनर को तो कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी ओल्ड पार्टनर से, यानी अपोजिट आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर गुडविल जा रही है ओल्ड पार्टनर को, कंप्यूटेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यू पार्टनर से। जरा इसकी कैलकुलेशन समझिएगा बहुत ध्यान से, न्यू पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1/3। तो आप यहां पर जुमला कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर 1/3 इंटरेस्ट खालिद कैपिटल, खालिद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,80,000 रुपए। और देखिए मेथड कौन सा है, गुडविल मेथड, और गुडविल किसको जा रही है, गुडविल जा रही है ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल मेथड की आइडेंटिफिकेशन ये है, मतलब गुडविल मेथड की खासियत ये है, और ये बोनस मेथड से जो अलग है, वो अलग होने की सबसे बड़ी वजह यही है इसमें कि बोनस मेथड में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान भी होता है, यानी बोनस मेथड में अगर किसी को फायदा होता है तो कोई ना कोई अपने पास से उसको फायदा पहुंचा रहा होता है, यानी कोई ना कोई अपने पास से नुकसान करके किसी को फायदा दे रहा होता है, यानी अगर किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान भी होगा। लेकिन गुडविल मेथड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि गुडविल मेथड में किसी को नुकसान नहीं होगा, यानी अगर इसमें किसी को फायदा हो रहा है, किसी एक शख्स को फायदा हो रहा है, तो किसी दूसरे शख्स को इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। यह है गुडविल मेथड की खासियत। बोनस मेथड में और गुडविल मेथड में सिर्फ यही एक फर्क है कि बोनस मेथड में अगर किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान भी होगा, जबकि गुडविल मेथड में अगर किसी को फायदा होता है तो यहां पर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहां पर देखिए फायदा किसको हो रहा है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले पार्टनर को यानी खालिद को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा, और फायदा किसको होगा, ओल्ड पार्टनर्स को फायदा होगा। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि गुडविल मेथड में सिर्फ फायदा होगा किसी को, और किसी को नुकसान, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा किसको हो रहा है, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि गुडविल किसको जा रही है, गुडविल जा रही है ओल्ड पार्टनर्स को, यानी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को फायदा होगा, लेकिन न्यू पार्टनर को किसी किस्म का कोई फायदा
का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर न्यू पार्टनर को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो जितने पैसे उसने लगाए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, देखिए जुमला लिखा हुआ है खालिद इन्वेस्ट रुपीज 180,000, तो खालिद ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए 1,80,000 रुपए। तो इसका कैपिटल भी कितना रहेगा, 1,80,000 रुपए ही रहेगा, ना इससे ज्यादा होगा कैपिटल और ना ही इससे कम होगा, क्योंकि इसको किसी किस्म का कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा। बल्कि फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर को किसी किस्म का ना कोई फायदा हो रहा है और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा है। अब जरूरी बात देखिए, जरूरी बात यह है कि खालिद ने कितने पैसे मिलाए हैं, 1,80,000 रुपए, और उसको जो हिस्सा है वो कितना है, 1/3। यानी खालिद से कहा गया कि भाई आप जो है वो 1,80,000 रुपए मिलाएंगे और हम आपको पार्टनरशिप में किस्सा कितना हिस्सा देंगे, 1/3 देंगे। खालिद ने बोला भाई 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आपने जवाब दिया कि भाई 1/3 का मतलब होता है कि हम पार्टनरशिप के तीन हिस्से करेंगे और तीन हिस्सों में से एक हिस्सा आपका होगा। तो खालिद ने कहा कि भाई मुझे उसमें किसी किस्म का फायदा है कोई नुकसान होगा, तो आपने कहा यानी ओल्ड पार्टनर्स ने कहा नहीं भाई, आपका हिस्सा जितना बनता है 1,80,000 रुपए, आप उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आप उससे ज्यादा या आप उससे कम पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो खालिद का हिस्सा कितना बनता है, 1,80,000 रुपए, और कितना हिस्सा बनता है खालिद का, 1/3, यानी तीन में से एक हिस्सा खालिद का कितना बनता है, 1,80,000 रुपए। अब मेरी बात को जरा वर्बली समझेगा कि अगर मैं किसी चीज के तीन हिस्से करता हूं और तीन में से एक हिस्सा कितने का हुआ, 1,80,000 का, बाकी कितने हिस्से रह गए, बाकी रह जाते हैं दो हिस्से। वो दो हिस्से भी कितने के होंगे, जाहिर सी बात है 1,80,000 और 1,80,000 के, क्योंकि मैंने उस चीज से कितने हिस्से किए, मैंने तीन बराबर बराबर हिस्से किए। तीन हिस्सों में से एक हिस्सा तो आपके सामने मौजूद है, एक हिस्सा कितने का है, 1,80,000 का, बाकी कितने हिस्से रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं दो हिस्से। अब वो दो हिस्से भी कितने के होंगे, वो पहला हिस्सा भी 1,80,000 का और दूसरा हिस्सा भी 1,80,000 का। तो मेरा सवाल यह है कि हिस्से करने से पहले, यानी जब अभी तो मैंने हिस्से कर दिए, लेकिन अगर मैं हिस्से नहीं करता तो हिस्से करने से पहले टोटल कैपिटल कितना होता पार्टनरशिप का, तो देखिए टोटल कैपिटल कितना होता उसी कैलकुलेशन में नीचे शो कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म किस तरीके से मालूम करेंगे, जो खालिद का कैपिटल था यहाँ पर कितना था, 1,80,000, वो आपने यहाँ पर पुट किया। इसके बाद जो खालिद का इंटरेस्ट था, खालिद का इंटरेस्ट कितना है, 1/3। इस 1/3 को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। 1/3 को अगर मैं उल्टा करूं तो कितना हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 को आप यहाँ पर लिखकर इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी बात को दोबारा समझिएगा, सबसे पहले तो आप खालिद का जो कैपिटल था वो यहाँ पर लिखिए, यानी जो आपने यहाँ पर नाम लिखा, जिस पार्टनर का नाम लिखा, उसका जो भी कैपिटल आपने लिखा 1,80,000 रुपए, वही अमाउंट आपने यहाँ पर पुट किया। इसके बाद जो इसका इंटरेस्ट था यहाँ पर, इंटरेस्ट कितना था, 1/3। इस 1/3 को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद ये कितना हो गया, 3/1। तो 1,80,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो आंसर कितना आता है, 5,40,000। यानी जब मैं हिस्से नहीं करता, यानी हिस्से करने से पहले जो टोटल कैपिटल होगा वो कितना होगा, वो 5,80,000 रुपीज का होगा। आप चाहें तो बनाकर देख लीजिए कि भाई एक हिस्सा कितने का है, 1,80,000 का, बाकी कितने हिस्से रह जाते हैं, बाकी दो हिस्से रह जाते हैं। वो दो हिस्से भी कितने कितने के होंगे, 1,80,000 और 1,80,000 के, यानी 1,80,000 के टोटल कितने हिस्से होगा, तीन हिस्से, 1,80,000, 1,80,000 और फिर 1,80,000। तो तीन हिस्सों को जब मैं मिला दूं, टोटल कर दूं, तो कितना बन जाएगा, ये 5,40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म यानी पार्टनरशिप का जो टोटल कैपिटल होगा वो कितना होगा, 5,40,000 रुपए। कैसे होगा कि भाई देखिए 5,40,000 रुपए पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल, इसमें से खालिद को कितना हिस्सा दिया जा रहा है, खालिद को इसमें से 1/3 हिस्सा दिया जा रहा है, यानी 1/3 हिस्सा दिया जा रहा है। तो 5,40,000 का अगर 1/3 आप लें तो कितना बनेगा, जाहिर सी बात है 1,80,000 रुपए बनेगा। तो 5,40,000 में से आपने खालिद को कितना हिस्सा दे दिया, 1/3 दे दिया, और 1/3 उसका कितना बनता है, 1,80,000 रुपए का बनता है। तो इस तरीके से आप क्या मालूम कर सकते हैं, टोटल कैपिटल मालूम कर सकते हैं। और टोटल कैपिटल मालूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा, अब दूसरी बात को आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि क्यों आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए खालिद का हिस्सा कितना, 1/3 का मतलब यह हुआ कि पार्टनरशिप के कैपिटल के आपने कितने हिस्से किए, तीन, तीन में से एक हिस्सा आपने किसको दे दिया, खालिद को दे दिया। अब सवाल ये कि अगर आपने खालिद को एक हिस्सा दे दिया तो कितने हिस्से बाकी रह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है तीन में से अगर हमने एक हिस्सा खालिद को दे दिया तो हमारे पास बाकी रह जाते हैं दो हिस्से, और वो दो हिस्से किसके होंगे, वो दो हिस्से होंगे अब ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि एक हिस्सा तो खालिद को दे दिया, नए पार्टनर को दे दिया, अब दो रह, कितने हिस्से रह गए, दो हिस्से रह गए, और उन दो हिस्सों पर किसका हक होगा, जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनका हक होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 2/3
थ्री, यानी तीन में से अब दो हिस्से किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। तो आप नीचे देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर टू थर्ड इंटरेस्ट, फॉर टू अपॉन थ्री इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना बनता है। भाई सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल कितना है, 5,40,000 रुपए। 5,40,000 में से नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, नए पार्टनर का हिस्सा बनता है 1,80,000 रुपए। तो 5,40,000 में से अगर मैं 1,80,000 रुपए निकाल दूं तो बाकी हिस्सा कितने का बनता है, बाकी हिस्से बचते हैं 3,60,000 रुपए के। भाई आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझते हैं, सुकून से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। हमारा जो टोटल कैपिटल है इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, देखिएगा टोटल कैपिटल कितना नजर आ रहा है आपको, 5,40,000 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि 5,40,000 के तीन बराबर बराबर हिस्से कर दीजिए, तो आप इसको अगर थ्री से डिवाइड कर दें तो तीन हिस्से बन जाएंगे आपके। हर हिस्सा कितने का होगा, हर हिस्सा होगा 1,80,000, यानी 1,80,000 एक, 1,80,000 दो और 1,80,000 तीन, यानी 5,40,000 रुपए टोटल कैपिटल हुआ। टोटल कैपिटल के मैं तीन हिस्से अगर करता हूं तो हर हिस्सा कितने का होगा, हर हिस्सा 1,80,000 रुपए का होगा। अब तीन हिस्से होगा, तीन हिस्से में से मैं आपको कहता हूं कि एक हिस्सा न्यू पार्टनर को दे दिए, यानी खालिद को दे दीजिए, तो न्यू पार्टनर का हिस्सा कितने का बनेगा। देखिए ऊपर सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि भाई सर न्यू पार्टनर का हिस्सा बन जाएगा 1,80,000 रुपए का। अगर तीन हिस्से आपने किए थे, तीन हिस्से में से अगर आप एक हिस्सा न्यू पार्टनर को दे देते हैं तो बाकी कितने हिस्से रह जाएंगे, बाकी दो हिस्से रह जाएंगे, और वो दो हिस्से कितने के होंगे, 1,80,000 और 1,80,000 के। तो 1,80,000 और 1,80,000 को मिला लें तो कितने बन जाएंगे, ये 3,60,000 रुपए बन जाएंगे। तो 3,60,000 रुपए दो हिस्से बन गए, और वो दो हिस्से किसके होंगे, वो दो हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल कितना है, 5,40,000 रुपए, जो कि बीच वाली लाइन में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल है 5,40,000। इसमें से जो न्यू पार्टनर का हिस्सा है वो कितना है, वो 1,80,000 रुपए है, और बाकी हिस्सा किसका होगा, जाहिर सी बात है बाकी हिस्सा इसमें ओल्ड पार्टनर्स का होगा। यानी 5,40,000 में से 1,80,000 रुपए जो है वो न्यू पार्टनर का है, और 5,40,000 में से 3,60,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर के। तो इस तरह से बराबर हो गया कि 5,40,000 में से 1,80,000 न्यू पार्टनर का और 3,60,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर के, योग है आपके पूरे 5,40,000 रुपए। अब ओल्ड पार्टनर मालिक कितने के हैं, 3,60,000 रुपए के। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओल्ड पार्टनर्स ने कारोबार शुरू करने के लिए 3,60,000 रुपए ही लगाए थे। तो आइए जरा देखते हैं, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं लेस ओल्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसे ओल्ड पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किए थे। तो देखिए सवाल के शुरू में लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था, यानी जो उन्होंने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, एक पार्टनर ने 1,20,000 और दूसरे पार्टनर ने 1,80,000 रुपए। इस हिसाब से इन दोनों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, इन दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 3,00,000 रुपए। अब जरा बात को समझिएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,00,000 रुपए, लेकिन इस वक्त वो मालिक हैं 3,60,000 रुपए के। 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके मालिक बन गए वो कितने के, 3,60,000 रुपए के। तो जाहिर सी बात है कम पैसे इन्वेस्ट किए थे, 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मालिक कितने के बन गए, मालिक बन गए 3,60,000 रुपए के। कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसों के मालिक बन गए, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो गया। किस वजह से फायदा हो गया, उनके नाम की वजह से, क्योंकि मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, गुडविल मेथड। गुडविल मेथड का मतलब ये होता है कि उनकी नाम की वैल्यू है, तो उनके नाम की वैल्यू की वजह से उनको क्या हुआ, फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, तो 3,00,000 मिलाए थे, यानी इन्वेस्ट किए थे उन्होंने 3,00,000 रुपए, और मालिक बन गए अगर 3,60,000 रुपए के, तो सर उन्हें 60,000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। किसको फायदा हो गया, ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो गया, कितने का, 60,000 रुपए का। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसकी प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। एक बार फिर आपको इसके स्टेप्स याद करा दूं, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर सॉरी न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट लिखनी है। न्यू पार्टनर ने कितने मिला है, 1,80,000। उस न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से क्या मालूम कीजिए, सबसे पहले आप टोटल कैपिटल मालूम कीजिए। तो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से हमने क्या मालूम किया, टोटल कैपिटल मालूम किया, और टोटल कैपिटल मालूम करने का तरीकेकार क्या था कि न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को, यानी 1,80,000 को, आपने न्यू पार्टनर के अपोजिट रेशो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अपोजिट रेशो कितना हुआ, ऊपर रेशो था 1/3, इसको अगर मैं अपोजिट करूं तो कितना हो जाएगा, ये 3/1, आपने इसे 3/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 5,40,000। ये 5,40,000 रुपए पूरी पार्टनरशिप का कैपिटल, यानी इसमें तमाम पार्टनर्स के पैसे शामिल है। अब अगर इसमें तमाम पार्टनर्स के पैसे हैं, यानी तमाम पार्टनर्स का अगर इसमें हिस्सा है, तो मुझे तो इसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा मालूम है। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है इसमें, 1,80,000। तो 1,80,000 रुपए अगर मैं इसमें निकाल देता हूं तो बाकी हिस्सा किसका बचेगा, बाकी हिस्सा बचेगा सर ओल्ड पार्टनर्स का। तो 5,40,000 में से देखिए, मैंने तीसरी लाइन में 5,40,000 में से 1,80,000 रुपए को माइनस कर दिया, तो बाकी हिस्सा किसका बन गया, बाकी हिस्सा बन गया ओल्ड पार्टनर्स का, जो कि कितने का बनता है, 3,60,000 रुपए का।
अब 3,60,000 में से आप माइनस कर दीजिए जितने पैसे ओल्ड पार्टनर्स ने मिलाए थे। तो देखिए सवाल में शुरू में लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, टोटल 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और मालिक बन गए 3,60,000 रुपए के, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो गया, सर ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो गया। इसमें कितने का फायदा हो गया, 60,000 रुपए का फायदा हो गया। तो ये तो हमने कैलकुलेशन की, अब हम इसकी एंट्री के जाने आ जाते हैं। एंट्री के लिए तरीकेकार जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि न्यू पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। न्यू पार्टनर ने इन्वेस्ट किए 1,80,000 रुपए, और जब पार्टनर पार्टनरशिप में कैश इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में कैश बढ़ जाएगा। कैश को बढ़ने की सूरत में आप उसे कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो आपने कैश को लिखा डेबिट साइड पर कितने से, 1,80,000 रुपए से। इसके बाद बोनस मेथड में आप बोनस के लफ्ज को रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन बोनस का फायदा जिसको होता था या नुकसान जिसको होता था आप उनके कैपिटल्स को रिकॉर्ड करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से आप बोनस के बजाय आप यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुडविल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप किसको रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ पर गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, और गुडविल के लफ्ज को हम रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल हमारे लिए एसेट है, गुडविल बढ़ रही है। देखिए पार्टनरशिप को गुडविल किसको जा रही है, ओल्ड पार्टनर्स को, यानी ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो रहा है। ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल हो या न्यू पार्टनर की गुडविल हो, गुडविल यानी नाम बढ़ रहा है। नाम किसका बढ़ेगा, अगर पार्टनर का नाम बढ़ेगा तो पार्टनरशिप का नाम बढ़ेगा, यानी पूरी पार्टनरशिप का नाम बढ़ेगा, यानी पूरी पार्टनरशिप की गुडविल बढ़ेगी। और जब गुडविल बढ़ जाएगी तो गुडविल को बढ़ने की सूरत में हम उसे कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो आपने गुडविल को रिकॉर्ड किया कहां पर, डेबिट साइड पर, कितने से, 60,000 रुपए से। गुडविल देखिए ऊपर कितनी कैलकुलेट की हमने, 60,000 रुपए, तो गुडविल को आपने रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर 60,000 रुपए से। अब गुडविल का फायदा किसको होगा, ऊपर लिखा हुआ है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सर इसका फायदा हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स को। जब ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जब कैपिटल्स बढ़ते हैं तो हम उसे कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दोनों ओल्ड पार्टनर्स के, दो ओल्ड पार्टनर है आबिद और शाहिद, उन दोनों के कैपिटल मैंने रिकॉर्ड कहां पर किए, क्रेडिट साइड पर। कितने का फायदा हो रहा है, 60,000 रुपए का। अब 60,000 रुपए उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी उसमें आप ओल्ड पार्टनर्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखिए जो उनके पुराने रेशो थे यानी 1:2, उसी रेशो के मुताबिक हमने उनमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया। 60,000 रुपए के जो गुडविल थी, आबिद का रेशो था 1, तो आपने इसे 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया, और शाहिद का रेशो था 2, तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया। इस हिसाब से दोनों पार्टनर्स के हिस्से में जो उनका गुडविल का फायदा आया वो आपने उसे क्रेडिट कर दिया उनके कैपिटल के अकाउंट में। इसके बाद जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है, खालिद। खालिद ने पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट किए, जब पार्टनरशिप में वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। जो भी शख्स कारोबार में पैसे मिलाएगा उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। जब कैपिटल बढ़ता है तो आप उसे कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो खालिद के कैपिटल को आप रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड पर। अब सवाल यह है कि खालिद ने मिलाए हैं 1,80,000 रुपए, हम खालिद का कैपिटल 1,80,000 रुपए से रिकॉर्ड करें या ज्यादा से रिकॉर्ड करें या कम से रिकॉर्ड करें। तो देखिए बोनस मेथड में ये होता था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स को फायदा होता था तो न्यू पार्टनर को नुकसान होता था, लेकिन गुडविल मेथड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें अगर ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो रहा है तो इसमें न्यू पार्टनर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी न्यू पार्टनर ने जितने पैसे मिलाए हैं उसका कैपिटल उतना ही लिखा जाएगा, ना उसे किसी किस्म का फायदा हो रहा है और ना ही उसे किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा है। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे कितने से, 1,80,000 रुपए से। न्यू पार्टनर का नाम क्या था, खालिद, तो आपने खालिद के कैपिटल को क्रेडिट किया कितने से, 1,80,000 रुपए से। ये अभी हमने डिस्कस किया है गुडविल मेथड, और गुडविल हमने कौन सा डिस्कस किया, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा मैं आपको साथ ही साथ गुडविल टू न्यू पार्टनर भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप दोनों मेथड्स को कंपैरेटिवली सॉल्व कर सके, यानी आप दोनों को मिलाकर एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फिर आप उसे सॉल्व कर सकें। तो इसी सवाल में, ये जो एयर था इसी एयर में एक और केस मौजूद है, केस नंबर बी, जो कि है बोनस मेथड, सॉरी गुडविल टू न्यू पार्टनर, उसकी तरफ चलते हैं। केस नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, खालिद इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट, आबिद एंड शाहिद डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल। आबिद और शाहिद अपना कैपिटल कम करने को तैयार नहीं है। और अगर आप शुरू में देखें तो मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि अगर जुमला लिखा हो कुछ इस तरीके का कि ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू न्यू पार्टनर की। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि गुडविल किसको जा रही है, न्यू पार्टनर को। सवाल में जो जुमला लिखा हुआ है इससे आपने पहचाना कि सर गुडविल इसमें न्यू पार्टनर को जा रही है, तो न्यू पार्टनर को जाएगी। तो आइए जरा उसके हवाले से भी कैलकुलेशन और एंट्री देख लेते हैं।
जुमला लिखा हुआ है आवेदन शाही डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल, यानी वो अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे। अगर वो अपना कैपिटल कम नहीं करते तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू न्यू पार्टनर की। और अगर गुडविल न्यू पार्टनर को जाएगी तो कंप्यूटेशन आप किससे स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटेशन आप स्टार्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर से। अब जरा इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिएगा ध्यान से, ऐसा ना हो कि फिर कंफ्यूज हो जाए आप। अगर ओल्ड पार्टनर से मुझे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो मुझे ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा यानी इंटरेस्ट चाहिए। जैसे न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है 1/3, तो मुझे ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए अभी अभी आपको मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि न्यू पार्टनर का हिस्सा है 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से एक हिस्सा किसका होगा, एक हिस्सा न्यू पार्टनर का। अगर 3 में से एक हिस्सा न्यू पार्टनर का हो गया तो बाकी कितने हिस्से रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं आपके पास 2 हिस्से, और वो 2 हिस्से किसके होंगे, वो 2 हिस्से होंगे ओल्ड पार्टनर्स के। यानी 3 में से 2 हिस्से हो गए ओल्ड पार्टनर्स के। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग डालें कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, आप सबसे पहली लाइन में लिखेंगे आपने वहां पर कंप्यूटेशन किससे स्टार्ट की थी, न्यू पार्टनर से। तो आपने न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट लिखा था, लेकिन यहां पे हमें कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो हम यहां पर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी किसकी लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की, कुछ इस तरीके से फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी। ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट हमने कितना लिखा, 2/3, ये कैसे आया मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है, अब जाहिर सी बात है वो नीचे तो दिया हुआ नहीं है, वो ऊपर ही दिया हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर्स ने कितने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, 3 लाख रुपए टोटल, 1,20,000 और 1,80,000 मिलाकर कितने होगा ये 3 लाख रुपए। तो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना बनता है, 3 लाख रुपए का हिस्सा बनता है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। अब मुझे क्या मालूम करना है, अगली लाइन में जो काम आपने पीछे किया था बिल्कुल सेम काम आप यहां पर करेंगे। अगली लाइन में आपने मालूम किया था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां पर भी मालूम करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आप किस तरीके से मालूम करेंगे, जरा इस बात को समझिएगा। जो कैपिटल यहां पर लिखा हुआ है पहली लाइन में, पहली लाइन में कितना कैपिटल लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए, इसको पहली लाइन में लिखे हुए इंटरेस्ट से, जो भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है इसको अपोजिट इंटरेस्ट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ आई बात, नीचे देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कैसे मालूम किया, जो 3 लाख का अमाउंट यहां लिखा हुआ था वही अमाउंट मैंने यहां पुट किया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, जो इंटरेस्ट यहां पर लिखा हुआ है, कितना इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 2/3, इस 2/3 को मैंने यहां पर लाकर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जब आप अपने इंटरेस्ट को रिवर्स कर देते हैं, रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, तो आपको वो टोटल चीज मालूम हो जाती है। ये जो अभी चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई हुई है कि 3 में से 2 हिस्से दिए हुए हैं आपको, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के हिस्से कितने हैं, 2 हिस्से, तो 3 में से 2 हिस्से करके ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है, 3 लाख रुपए का। तो अगर मुझे टोटल कैपिटल मालूम करना हो तो टोटल कैपिटल किस तरीके से मालूम करेंगे कि 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, यानी जो नीचे था उसको आप ऊपर लेकर आ जाइए 3, और जो ऊपर था 2 उसे आप नीचे लेकर आ गए। तो इस तरीके से आपको पार्टनरशिप का क्या मालूम हो जाएगा, टोटल कैपिटल मालूम हो जाएगा। अब आप मेरी बात को जरा सुकून से अगर सोचें समझें, तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना है, सर ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट है 2, यानी 2 हिस्से हैं उनके, और वो 2 हिस्से कितने के बनते हैं, वो 2 हिस्से बनते हैं सर 3 लाख रुपए के। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 हिस्से 3 लाख रुपए के, तो एक एक हिस्सा कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर 1.5 लाख रुपए का, बराबर बराबर हिस्से अगर करें तो 1.5 लाख रुपए का हिस्सा होगा। तो सर अगर 2 हिस्से 3 लाख रुपए के बनते हैं तो एक हिस्सा कितने का होगा, 1.5 लाख रुपए का। तो ये तो दो होगा 2 हिस्से। अब इसमें अगर मैं तीसरा हिस्सा भी मिला दूं तो तीसरा हिस्सा भी कितने का होगा, 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। तो तीनों हिस्सों का अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना बन जाएगा, वो 4,50,000 रुपए। तो इस तरीके से आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप टोटल कैपिटल मालूम कर सकते हैं कि ये 2 हिस्से थे, 3 लाख रुपए के बनते थे, लेकिन अगर मैं तीनों हिस्से मिला दूं तो तीनों हिस्से कितने के बनेंगे, तीनों हिस्से बनेंगे 4,50,000 रुपए के। अब इस 4,50,000 रुपए में 3 हिस्से हैं, देखिए 4,50,000 रुपए के 3 हिस्से। अब आप इसको अगर चाहे तो करके देखिएगा कि 4,50,000 रुपए के सर 3 हिस्से, इसको अगर मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं, 3 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर दूं, तो एक हिस्सा कितने का बनेगा, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 3 हिस्से होगा, 3 में से 2 हिस्से किसके हैं, 2 हिस्से हैं सर ओल्ड पार्टनर्स के, यानी 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये 2 हिस्से हो गए ओल्ड पार्टनर्स के। तो 1.5 लाख 1.5 लाख कितने हो गए, 3 लाख। तो 3 लाख किसके हो गए, ओल्ड पार्टनर्स के। बाकी कितना हिस्सा बच गया, सर बाकी बच गया 1 हिस्सा, वो 1 हिस्सा किसका होगा, सर वो 1 हिस्सा न्यू पार्टनर का होगा, और वो कितने का होगा, वो होगा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि 1 हिस्सा 1.5 लाख रुपए का बनता है। और अगर देखें तो 4.5 लाख टोटल कैपिटल है, 4.5 लाख में से 3 लाख जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के होगा, वो निकाल दूं अगर, तो बाकी कितने बच जाते हैं, 1.5 लाख रुपए।
तो 1.5 लाख रुपए किसका होगा? न्यू पार्टनर का, यानी खालिद का हिस्सा होगा। तो मैं यहां पर नीचे लिखने जा रहा हूं फॉर 1/3 इंटरेस्ट, क्योंकि खालिद का हिस्सा कितना है 1/3। फॉर 1/3 इंटरेस्ट खालिद कैपिटल, खालिद का जो हिस्सा बनता है वो कितना बनता है, 4.5 लाख में से आप 3 लाख को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको मालूम हो जाएगा सर खालिद का हिस्सा बनता है 1.5 लाख रुपए का, यानी खालिद मालिक होगा 1.5 लाख रुपए का। पार्टनरशिप का टोटल कैपिटल कितना, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख में से ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना, ओल्ड पार्टनर का हिस्सा होगा सर 3 लाख रुपए। क्योंकि देखिए गुडविल किसको जा रही है, सवाल की पहचान यही है, गुडविल न्यू पार्टनर को जा रही है, जुमला जो लिखा हुआ था। अगर गुडविल न्यू पार्टनर को जा रही है तो फायदा किसको होगा, न्यू पार्टनर को फायदा होगा। तो ओल्ड पार्टनर को ना किसी किस्म का फायदा होगा और ना ही उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। तो ओल्ड पार्टनर ने मिलाए थे 3 लाख रुपए, उनका कैपिटल भी कितना रहेगा, उनका कैपिटल भी 3 लाख रुपए ही रहेगा। तो 4.5 लाख में से उनका हिस्सा बनता है 3 लाख, वो निकाल दूं तो बाकी हिस्सा किसका होगा, बाकी हिस्सा न्यू पार्टनर का होगा, जो कि कितना बनता है, वो बनता है 1.5 लाख रुपए का। अब सवाल यह है कि क्या न्यू पार्टनर ने वाकई 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं? तो देखिए जुमला लिखा हुआ है सिचुएशन बी में, खालिद इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000, खालिद ने मिलाए कितने हैं 1,20,000 रुपए। अब खुद सोचिए कि खालिद जो मालिक बना है वो कितने का मालिक है, 1.5 लाख रुपए का, लेकिन उसने मिलाए कितने हैं, सिर्फ 1,20,000 रुपए मिलाए, यानी 1,20,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करके वो मालिक बन गया कितने का, 1,50,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि खालिद ने इन्वेस्ट किए 1,20,000 रुपए, वो आप इसमें से क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि 1,20,000 रुपए मिलाकर अगर वो 1,50,000 रुपए का मालिक बन जाता है तो खालिद को फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 30,000 रुपए का। तो इस केस में गुडविल किसको जा रही है, इस केस में गुडविल जा रही है खालिद को, यानी न्यू पार्टनर को। तो पीछे वाला जो केस था उसमें गुडविल जा रही थी ओल्ड पार्टनर्स को, इस वाले केस में गुडविल जा रही है न्यू पार्टनर को। अगर आप कंप्यूटेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों कंप्यूटेशन को मिलाइएगा, तो वहां पर पहली लाइन में हमने क्या लिखा था, और न्यू पार्टनर्स, हमने कंप्यूटेशन स्टार्ट की थी न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट और न्यू पार्टनर का कैपिटल। दूसरी लाइन में हमने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखा था, यहां पर भी बिल्कुल वही है। तीसरी लाइन में हमने यहां पर लिखा था ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, यहां पर ओल्ड पार्टनर की जगह पर क्या आ गया, न्यू पार्टनर आ गया। फिर चौथी लाइन में हमने लिखा था ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, यहां पर ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की जगह पर क्या आ गया, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप गौर कीजिए तो जो कुछ पीछे हो रहा था बिल्कुल सेम काम यहां पर भी हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहां जहां पीछे ओल्ड पार्टनर का जिक्र था यहां पर वहां न्यू पार्टनर का जिक्र हो गया, और जहां न्यू पार्टनर का जिक्र था यहां पर ओल्ड पार्टनर का जिक्र हो गया। बस इस बात की तब्दीली है दोनों मेथड्स में। तो ये छोटी सी डिफरेंस, छोटे से डिफरेंस को अपने जहन में रखिएगा, कैंप इसकी जो कंप्यूटेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मे बी पॉसिबल कि आपको पहली बारी में मेरी बात समझ में ना आई हो, तो अगली बारी में हम इसका एक और सवाल करेंगे गुडविल मेथड का नए अंदाज से, मतलब उसमें आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, नए तरीके से करेंगे। अच्छा इसकी एंट्री देख लेते हैं, न्यू पार्टनर ने इन्वेस्ट किए, जब कोई शख्स कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कारोबार में कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो आप उसे कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर। तो हमने कैश को लिखा डेबिट साइड पर, कितना कैश मिलाया था उसने, 1,20,000 रुपए। फिर इसके बाद बारी किसकी आती है, इसके बाद बारी आती है गुडविल की, पार्टनरशिप की गुडविल बढ़ रही है, चाहे गुडविल न्यू पार्टनर की हो चाहे गुडविल ओल्ड पार्टनर की हो, गुडविल किसकी बढ़ेगी सर, गुडविल बढ़ेगी पार्टनरशिप की। तो जब पार्टनरशिप की गुडविल बढ़ जाएगी तो गुडविल को बढ़ने की सूरत में आप उसे कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो आपने गुडविल को रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर। अच्छा इस केस में गुडविल किसको जा रही है, गुडविल जा रही है खालिद को, यानी फायदा किसको हो रहा है, खालिद को। अगर खालिद को फायदा हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को ना किसी किस्म का नुकसान होगा और ना ही उन्हें किसी किस्म का फायदा होगा। गुडविल मेथड की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा होता है, यानी सब कुछ खुश खुश रहते हैं, सब लोग खुश खुश रहते हैं, किसी को कोई दुख नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, किसी को फायदा होता था कोई जलता नहीं है, किसी को कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं होता। तो यहां पर फायदा किसको हो रहा है, खालिद को फायदा हो रहा है। अगर खालिद को फायदा हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को ना नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा, और जब ओल्ड पार्टनर्स को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है तो उनके कैपिटल्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप उसके कैपिटल को एंट्री में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। हाँ खालिद के कैपिटल को जरूर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि खालिद ने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर रहा तो उसका कैपिटल कारोबार में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे भाई, देखिए 1,20,000 रुपए उसने मिलाए थे और 30,000 रुपए का उसको फायदा हुआ गुडविल की वजह से, तो फायदे की वजह से भी कैपिटल बढ़ जाता है। तो अब जो खालिद का कैपिटल लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 1,50,000 रुपए, क्योंकि खालिद इस वक्त 1,20,000 रुपए का मालिक नहीं है, बल्कि खालिद इस वक्त 1,50,000 रुपए का मालिक है। तो यहां पर हमने आज डिस्कस किया कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर क्या होगी, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है, और गुडविल टू अगर न्यू पार्टनर हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं।
बहुत मुमकिन है कि आपको शायद गुडविल मेथड में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जब ये आपको उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप इसकी कैलकुलेशन खुद से अपने तौर पर ना करें, तब तक आपको मेरी बातें बिल्कुल बेहतर समझ में नहीं आ सकती। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग जब वो खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह। तो जब वो बता दूंगा अगले लेक्चर में, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बातें जो है वो समझ में आने लगेंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।